हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एर्थ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 10.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा। दो क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए, क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है आपको, क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। मतलब हमको ये आकृतियाँ जो है इस तरीके से दी गई हैं। एक और क्वेश्चन बाकी है, हमारे पास जगह नहीं तो वो तो बना नहीं पाए। ठीक है, तो हमें इधर से हम देखेंगे तो पार्श्व दृश्य होगा, इधर से देखेंगे तो सामने का होगा, ऊपर से देखेंगे तो हमारा ऊपर का दृश्य मतलब टॉप व्यू होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर से, इन्होंने कहा है हमें सबसे पहले ऊपर का दृश्य बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाला ही बना लेंगे, ऊपर का दृश्य। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है सामने का बनाना है। ठीक है, तो हम फिर सामने का बना लेंगे। लास्ट में इन्होंने कहा है पार्श्व बनाना है, तो हम पार्श्व वाला बना लेंगे। ठीक है भाई, ये हमारी आकृति है, इसको हम ऊपर से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, ये सिर्फ यही हिस्सा हमको नज़र में आने वाला है। कोई चीज़ को हम ऊपर से देखेंगे ना तो कैसे, जैसे कि हमारा मार्कर है तो मार्कर ऐसा। अब मैं कहूँगी इसको ऊपर से देखो या बॉटम से देखो, आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये गोला नज़र आ रहा है। ठीक है, पूरा मार्कर जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ आप ये नीचे वाले हिस्से नहीं नज़र आ रहे हैं, आपको सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। मतलब क्या नज़र आ रहा है, दो नीचे के ईंट, ठीक है, और एक ऊपर का ईंट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है पार्श्व दृश्य ऊपर वाले दृश्य में। फिर उन्होंने सामने वाला दृश्य बोला है, तो सामने वाला दृश्य इधर से देखेंगे तो पीछे जो भी आकृति बनी हो हमें उससे मतलब भी नहीं है। जैसे कि आपका घर है, कितना भी लंबा क्यों ना बना हो, पर जो देखेगा सामने से उसको सिर्फ सामने वाली ही डिज़ाइन नज़र आएगी, आपको वो पीछे क्या क्या बना हुआ नहीं नज़र आएगा। ऐसे ही जब हम सामने से देखेंगे सिर्फ हमको ये दो ईंट जो हैं वो नज़र में आने वाली हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा पार्ट्स में बनाओ, इधर से हम देखेंगे तो इधर से भी हमें दो ईंट नज़र आने वाली है, पीछे वाला कोई हिस्सा नहीं नज़र में आने वाला है, तो पार्ट्स भी हमारा यही हो जाएगा, इधर से भी दो ईंट ही दिखेंगी। ठीक है, तो पहला हो गया। अब हम करेंगे अपना तीसरा वाला, दूसरा वाला सॉरी, तो दूसरा वाला जो है अब इसको हमें कैसे देखना है, ऊपर से देखना है। ऊपर से जब हम देखेंगे ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, इतनी चीज़ जो है वो हमें नज़र में आने वाली हैं। तो भाई कर लेते हैं, तो नज़र गड़ा लेते हैं अपनी, तो क्या नज़र आएगा हमको, एक इस तरीके से एल टाइप में ही आकृति जो है वो नज़र आने वाली है। ठीक है, कितने चार ब्लॉक थे, चार ब्लॉक जो है वो हमने बना लिए। अब इन्होंने कहा है सामने से देखो, तो सामने से हमको क्या नज़र आएगा, सामने से हमको नज़र में आने वाला है भाई ये नज़र आएगा, ये चीज़ नहीं नज़र आएगी क्योंकि ये हमारी ईंट है ना, तो ईंट के साइड वाला हिस्सा है, ये थोड़ी ना नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा। तो हमको तीन ईंटें जो हैं वो सामने की नज़र में आने वाली हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर का हिस्सा। अब इन्होंने कहा है पार्श्व से देखो, तो पार्श्व से देखने पर हमको क्या नज़र आएगा, तो भाई ये वाला हिस्सा तो नज़र आएगा ही, और साथ में ये कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये साइड वाला हिस्सा है, अब हमको ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। मतलब दो ईंटें जो हैं वो हमें नज़र में आने वाली हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम कराएंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन, सबसे पहले ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, बस दो ही चीज़ जो है वो हमको नज़र में आने वाली हैं। ठीक है, तो दो चीज़ जो है हम बना लेते हैं, दो मिनट हो गई। ठीक है, अब हम कहाँ से देखने वाले हैं, सामने से देखने वाले हैं, तो सामने से देखेंगे तो भाई ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, तो हमको एक ऐसी आकृति जो है वो नज़र में आने वाली है। ठीक है, ये हो गया हमारा सामने वाला। अब ये कह रहे हैं कि इधर से देखेंगे, पार्श्व से देखेंगे तो ये हिस्सा नज़र आएगा, ये हिस्सा नज़र आएगा, ये हिस्सा नज़र आएगा, तब हमको नज़र में आने वाला है इस तरीके की आकृति जो है वो हमको नज़र में आने वाली है। ठीक है, आया समझ में। अब इसकी बात करते हैं डी वाले की। डी वाले के सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से, तो ये नज़र में आएगा, ये नज़र में आएगा, ये नज़र आएगा, तो तीनों हमें लाइन में तीन चीज़ें, तीन ईंटें जो हैं वो नज़र में आने वाली हैं। फिर हम इन्होंने कहा है सामने से देखो, तो सामने से जब हम देखेंगे ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, इस तरीके से
इस समय ये आकृति जो है वो नज़र में आने वाली है। ये हमारी हो गई आकृति। अब इन्होंने कहा है हमको भाई पार्श्व से देखना है, तो पार्श्व से कैसे देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो इधर से हमें ये नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, दो ईंट जो है वो हमें नज़र में आने वाली हैं। ठीक है, इतना जो है वो हमारा हो गया, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा अभी रह गया है, तो वो जल्दी से डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। तो ये है हमारा ई वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलान मैंने पार्श्व आकृति और फ्रंट आकृति, मतलब सामने की आकृति, टॉप मतलब ऊपर वाली आकृति जो है वो सब आपको बता दिया, मिलान करना था। ठीक है, वो मिलान कराना मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब मैंने बोर्ड भी साफ कर दिया, तो मिलान आप कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लेना, और कौन सी हमारी पार्ट्स है, कौन सी हमारी फ्रंट वाली है, कौन सी ऊपर वाली है, तो आप वहाँ पे मिलान करके अपना नंबर जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बता देंगे, इस चैनल पे साइंस पढ़ाई जा रही है, हमारा मस्ती वाला चैनल है, और ये हमारी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख लेना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैथ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो डेली 8 बजे आना, वहाँ पर मैथ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, प्रत्यक्ष आपसे बातें करते हैं, आपके डाउट जो है वो क्लियर करते हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, तो 8 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। और आपको बता दें, ये हमारी आकृति दी गई है। ठीक है, क्या करना है, इसका हमें बनाना है ऊपर वाला दृश्य बनाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, ऊपर के दृश्य में हमको ये दिखने वाला है, और जो नीचे वाली ईंट बनी हुई है हमारी, ठीक है, जो नीचे वाली ईंट बनी हुई है, ठीक है, ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमको दिखने वाली हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, तीन चीज़ें ये दिखेंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला दृश्य। अब इन्होंने कहा है सामने वाला दृश्य बनाओ। ठीक है, तो सामने से हमको ये दिखेगा, सामने से इधर से हमको देखना है। ठीक है, ऊपर से हमें यहाँ से देखना था, अब हमें यहाँ इधर से देखना है, तो ये ईंट दिखेगी, ये ईंट दिखेगी, और ये ईंट दिखेगी, ये तीन ईंट जो हैं वो इस तरीके से हमको दिखने वाली हैं। ठीक है, इस तरीके की आकृति हमारी बन जाएगी। अब इन्होंने कहा है इधर से देखो, तो इधर से हमको ये ईंट दिखेगी, ये ईंट दिखेगी, ठीक है, और हमारी इधर वाली ईंट दिखेगी, तो मतलब इधर से जो हमको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ये भी हमारा ऐसे ही दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको सही से बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आकृति जो है वो हमको इधर से भी दिखेगी, और ठीक है, बस इतना ही करना था, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस आपसे बाय बोलना है, और कहना है कि भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है।